जैन बच्चों, अपने जीएस के क्रम में हम फिर 15 क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। ये केवल आर्मी स्पेशल है, तो देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? भारत भूटान फाउंडेशन, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1993, 1998, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2010। इसमें सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2003। अब इसका उत्तर कैसे होगा सही, ये देखिए। इंडिया भूटान फाउंडेशन की स्थापना वर्तमान भूटान नरेश, जो भी चल रहा प्रेजेंट में, की भारत यात्रा के दौरान 2003, 2003, ठीक है, में की गई थी। इस फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों की जनता और जनता के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना था। भारत और भूटान के राजदूत फाउंडेशन के सह अध्यक्ष हैं। सह अध्यक्ष जी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो। किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र, एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशिया के उदय को अनस्टॉपेबल, ना रुकने वाला, अनस्टॉपेबल ना रुकने वाला, ध्यान रखिएगा, अनस्टॉपेबल ना रुकने वाला घोषित करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2012, 2012 नवंबर में एक चुनौतीपूर्ण योजना प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य भारत और एशिया क्षेत्र की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और विस्तार करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया, ठीक है, एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेन लेखक नहीं पूछ रहा, ठीक है। ए बोरिया मजुमदार, इंदु आनंद, सी मैरी काम, डी जसवंत सिन्हा। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बोरिया मजुमदार। ये तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है। प्लेइंग विद माई वे इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। बोरिया मजुमदार इस पुस्तक के सह लेखक हैं। नवंबर 2014 में जारी की गई थी, 2014 में यह पुस्तक रिलीज हुई है। यह पुस्तक तेंदुलकर के आरंभिक दिनों, 24 वर्ष के उनके अंतरराष्ट्रीय कैरियर और उनके जीवन के पहलुओं का वर्णन करती है, जिसे पहले सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चार। 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नाट्य रूपक फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? ए पिंक, बी घनक, सी कसाव, डी महायोद्धा राणा। इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर चार, इसका सही उत्तर होगा सी सी, ठीक है। 2016 में निर्मित भारतीय मराठी फिल्म कसाव ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यह इस श्रेणी में अवार्ड जीतने वाला पांचवी मराठी फिल्म थी, जिसे फिल्म निर्माता से सुमित्रा भावे, फिल्म निर्माता से सुमित्रा भावे, ठीक है, लिखते जाइए, सुनील सुकंतकर, ठीक है, द्वारा निर्देशित है ये, और मोहन अगासे द्वारा निर्मित किया गया था। मोहन अगासे इसको बनाया था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। भारत की प्रथम ध्वनि वैश्विक फिल्म कौन सी थी? आलमारा, श्री पुंडलिक, राजा हरिश्चंद्र, कीचक वधम। इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर पांच, इसका सही उत्तर होगा ए आलमारा, ठीक। चलिए अब इसके बाद आलमारा द
ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड भारत की पहली बोलती फिल्म थी। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को 14 मार्च 1931, ठीक है, 14 मार्च 1931 को बंबई के बेजेस्टिक सिनेमा में सिनेमा घर पूछेगा क्या बोलेंगे, बेजेस्टिक सिनेमा घर में प्रदर्शित की गई थी। आला मारा को इंपीरियम मूवीटोन के बैनर तले बनाया गया था, ठीक है। इस फिल्म को आदर्श सिंह मार्गन ईरानी द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था। आदर्श सिंह मार्गन ईरानी द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये जनरल क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों के पास। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दस, बारह, तेरह और ग्यारह। बताइए, ग्यारह, ये प्लेइंग मेंबर है बेटा, ग्यारह प्लेइंग मेंबर, ठीक है, ये खेलते हैं। बाकी चलिए इसके बाद जान कर थोड़ा सा, फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसमें एक गोलकीपर और 10 आउटफील्ड खिलाड़ी होते हैं। आउटफील्ड नहीं, इनफील्ड होते हैं, ठीक है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने हाथों और भुजाओं को छोड़कर, हैंड और भुजाओं को छोड़कर अपने शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग करते हुए गेंद को विपक्षी टीम के गोल पोस्ट तक डालने का प्रयास करते हैं। केवल गोलकीपर को गेंद को नियंत्रित करने की अनुमति होती है और यह ऐसा केवल पेनाल्टी एरिया में ही कर सकता है, ठीक है। गोलकीपर केवल पेनाल्टी एरिया में बहुत पकड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे डीजल इंजन का आविष्कार कहा जाता है? ये डीजल इंजन का आविष्कार पूछ रहे हैं, कोटिस, रुडोल्फ डीजल, लैरी पेज और रेल इनहेक। सही उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही उत्तर होगा बी, रुडोल्फ डीजल। जैसे डीजल इंजन नाम लिखा है, इसमें डीजल है तो यही आंसर है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, डीजल इंजन का आविष्कार जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार जर्मनी के मैकेनिकल इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने किया था। उन्हें डीजल इंजन का विचार 1980 में आया था और 1982 में उन्होंने जर्मन डेवलपमेंट पेमेंट प्राप्त किया। बाद में वर्षों में उन्होंने थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसन हीट मोटर नामक शीर्षक में यह पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें डीजल इंजन का वर्णन किया गया था। इस पुस्तक ने डीजल इंजन के आविष्कार के लिए आधार और निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये डेट पूछ रहे हैं, ए सितंबर 2014, अगस्त 2015, जनवरी 2015 और जनवरी 2016। इसका सही उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी, जनवरी 2015, ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, कोई पूछे किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भाग के रूप में की गई थी। यह बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन आधार पर धन की बचत द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करना और लड़कियों की सहायता करना, उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने में माता पिता की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है, वृक्ष, जल, वन, वायु। इसको सही उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही उत्तर होगा सी, वन, ठीक है। चलिए, वन कई पेड़ और पौधों और जंतुओं का आवास है। ये हरे फेफड़े ग्रीन लंग्स है और प्रकृति के जल शुद्धिकरण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। वन में विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं और सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन का प्रयोग जंतुओं द्वारा श्वसन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए, विटामिन सी को डैश नाम से जाना जाता है, एस्कॉरिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, मालिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। सही उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही उत्तर होगा एस्कॉरिक अम्ल, ठीक है। चलिए
अब इसके बारे में जान ले थोड़ा सा। विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉरिक एसिड C6H8O6 के रूप में जाना जाता है। यह जल के विलय एक विटामिन है और थोड़े अम्ली स्वाद के साथ सफेद या थोड़ा पीले क्रिस्टल या पाउडर के रूप में पाया जाता है। एस्कॉरिक एसिड मनुष्य के भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है और यह संयोजी ऊतक और अस्थि संपोषित करते हुए आवश्यक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। साबुन में निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? साबुन में से निम्न में किसके सोडियम लवण होते हैं? क्वेश्चन ये है, ए खनिज अम्ल, बी वसा अम्ल, सी लैटिक अम्ल, डी कार्बोलिक अम्ल। इसका सही उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का इसका सही उत्तर होगा वसा अम्ल। ठीक है, साबुन साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। इन्हें प्रबल भार साबुनीकरण के साथ ट्राइग्लिसराइड और अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। वसा और तेल ट्राइग्लिसराइड के निर्मित होते हैं। वसी अम्ल के तीन वायु ग्लिसराइड एवं के एक अणु संबंध होते हैं। क्षारीय विलयन को प्राय सज्जीदार पानी LYLI बोलते हैं इसको, अभिप्रेत साबुनीकरण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपके। अब क्वेश्चन नंबर आपके 12 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रेव ब्राउजर नहीं है? ब्रेव ब्राउजर जिसके आप लोग ओपेरा क्या नाम है अपना, आप लोग कोई चीज सर्च करते हैं गूगल में, तो वो ब्रेव ब्राउजर से हो गया आपका, फायरफॉक्स हो गया और ओपेरा हो गया। देखिए इसमें है मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सालीमार। ठीक है, ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल तीन और ऑप्शन डी केवल दो। इसका सही उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का इसका सही उत्तर होगा केवल सी, केवल सी। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन एक ब्रेव ब्राउजर नहीं है, तो क्वेश्चन ये सालीमार ब्रेव ब्राउजर नहीं, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है। ठीक है, तो ये उसका उत्तर होगा केवल तीन। एक घड़ी की कमानी है, डैश ऊर्जा होती है, विद्युत गति स्थिति दोनों गति तथा स्थिति दोनों से। सही उत्तर बताइए इसका 13 क्वेश्चन नंबर, इसका सही उत्तर होगा सी स्थिति। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। चाबी वाली घड़ी में चाबी की अपनी स्थिति के कारण स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, अपनी स्थिति का स्थिति ऊर्जा होती है। जैसे स्प्रिंग का खोला जाता है यह घड़ी की सुइयों को गति कराने लगती है। इस प्रकार की घड़ी की स्प्रिंग में कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, बल का, संवेग का, ऊर्जा का। इसका सही उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा का। ठीक, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक संयुक्त इकाई है जो एक घंटे में एक घंटे के लिए समर्पित शक्ति के एक किलोवाट के समान है। एक वाट एक JWS JS, ठीक है, JS के बराबर होता है। एक किलोवाट घंटे में 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल, ठीक है, होते हैं। किलोवाट घंटा का प्रयोग सामान्यतः विद्युत प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता को वितरण की गई ऊर्जा के लिए बिलिंग यूनिट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? फ्लोयम, जाइलम, एपिडर्मिस और कैम्बियम। इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा बी, जाइलम। ठीक है, चलिए, जाइलम संवहनहीन पौधों में दो प्रकार के वाहन उत्तकों में से एक है। वेलकम एलोफेम दूसरा वाहन उत्तक है। जाइलम का मुख्य कार्य जल को जोड़ों से अंकुरों और पत्तियों तक पहुंचाना है, लेकिन यह कुछ पोषक तत्वों को भी वहन करता है। यह वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल की हानि को स्थापित करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं।
इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।